हरियाणा में उचाला कला विधानसभा सीट को लेकर गठबंधन में सरकार चला रहे बीजेपी जेजेपी पार्टी के बीच खटास पैदा हो गई है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। ऐसे में गठबंधन सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं खट्टर सरकार को चुनाव से एक साल पहले कोई खतरा पैदा न हो, इसके लिए हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव लगातार निर्दलीय विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी प्रभारी विप्लव देव कुमार कल दिल्ली स्थित उनके आवास पर धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान मुलाकात करने पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद भाजपा प्रभारी ने कहा था कि मीटिंग में निर्दलीय विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है, हरियाणा को समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। वहीं इसी कड़ी में आज सिरसा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा ने भी उनसे मुलाकात की। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 46 है। फिलहाल बीजेपी के 41 विधायक हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि जेजेपी सरकार से समर्थन वापस लेती है तो भी सरकार को कोई खतरा नहीं है। यदि मौजूदा तल्खी के बाद जेजेपी गठबंधन तोड़ती है तो निर्दलीय विधायकों के सहारे बीजेपी हरियाणा में सरकार बचा लेगी। वहीं इन निर्दलीय विधायकों को भी समर्थन के तोहफे के रूप में मंत्री पद मिल सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी की गठबंधन में चुनाव लड़ने की मजबूरी भी खत्म हो जाएगी।